गाइस, आपको लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्वर्णकार बजरंगी। एंड आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो है कि कैसे 2023 का डेमी यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मेरे पास बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com ऑफिशियल है। तो सबसे पहले ये आप लोगों को सर्च कर लेना है। मैं दिखा देता हूँ, बिहार बोर्ड ऑनलाइन, बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com एडमिट कार्ड। अब इसको आप लोगों करना क्या है, आप लोग कुछ करना नहीं, इसको सर्च करना है, आराम से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो पहला आइकन खुल के आया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पहला आइकन जो खुल के आया है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या पेज ओपन खुलता है। ओपन होने के बाद यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल चुका है पूरी तरह से। आप लोग यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं। इसके नहीं, पहले स्कूल कोड डालना होगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट नाम यानी जिसके नाम से है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना नाम यहाँ डालिएगा सेकंड में, फिर उसके बाद फादर्स का नाम डालिएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालिएगा, फिर उसके बाद सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ अभी, रुक जाइए दो मिनट, दो सेकेंड। SHYAMS, तो मैंने फिल कर लिया है और डेट ऑफ बर्थ बचा है 15/2/2017, मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए अब क्या खुल के आता है सामने। तो आप लोग देख सकते हैं, वैलिड कैंडिडेट चेक फीस डिटेल्स, फिर से यानी अब देखते हैं आगे क्या होता है प्रोसेस। थोड़ा सा सर्वर डाउन है, थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वेट करिए आप। तो हे गाइस, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ खुल चुका है, यहाँ खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे ये देख पढ़ते हैं कि ये पढ़ लीजिए, आप दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे सेकेंडरी डमी एडमिट कार्ड। लेकिन आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर कि जैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आप लोगों को डाउनलोड नहीं होगा। पहली बात, ये जो बार बार बहुत बड़ा फेंकते हैं ना कि वेबसाइट पर जाने के लिए, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये सब करता कुछ नहीं है, सिर्फ वेबसाइट पर दे देता है। यूट्यूब पर देखिएगा आप लोगों की कि हाँ दे रहा है, आराम से दे रहा है, नहीं कुछ ऐसा बात नहीं है। अभी तक कोई वेबसाइट नहीं खुला अभी तक जो कि आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐप नहीं बोल सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा, वो एडमिट कार्ड वो अपना स्कूल में या कॉलेज में आपको लेना पड़ेगा ना।